लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। भाजपा की सरकार गरीबों और आम आदमी की सरकार नहीं, गबनबाजों और घोटालेबाजों की सरकार है। विजय माल्या का ये जो भागने का कांड हुआ है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। जिस प्रकार तेजी से इस देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बैंक के घोटाले बढ़ रहे हैं और घोटालेबाज भाग रहे हैं, इस देश की जनता एक ही स्वर में एक ही बात कह रही है कि हमें तो हमारे ही चौकीदार ने लुटवाया, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिस प्रकार सीबीआई ने जो विजय माल्या को सहायता दी, समर्थन दिया कि वो देश का 9000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लेके इस देश से भाग जाएं, भाजपा के दबाव के अंदर आके, वो एक बात साफ करता है कि ना तो मौजूदा भाजपा सरकार ना ही बीजेपी सीबीआई पे अब विश्वास किया जा सकता है कि उस मामले की जांच के। अगर सीबीआई के टॉप बॉस को पता लग गया था तब, होम मिनिस्ट्री को पता लग गया था तब कि नोटिस बदला गया है, क्यों आज 3 साल हो गए इस मसले की जांच क्यों नहीं हुई? भगौड़ों को भगाने में भाजपा और सीबीआई चुस्त, पर उनको पकड़ने में महासुस्त, क्योंकि सरकारें जो चौकीदार हैं, भागीदार और गुनेगार बन गई हैं। इसलिए वो लुकआउट नोटिस क्यों बदला, किसके कहने पे बदला, कैसे बदला, उस पर जांच नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि इस पूरे मसले में जांच होनी चाहिए कि ये जो सीबीआई नामक कठपुतली सरकार में कौन चला रहा था जिसने विजय माल्या को इस देश से भगाया। इस देश की जनता अब पूछ रही है कि भाजपा का ये चोर दरवाजे पे ताला अब कौन लगाएगा, भाजपा ने कैसे, क्यों, कब कब इस चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया और लुटेरों को भगाया, इसकी जांच अब जरूर होनी चाहिए। आम आदमी को तो बैंकों की बाहर कतार में लगा दिया और गबनबाजों को ताज पहना के इस देश से भगवा दिया इस भाजपा सरकार ने। उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही और हिसाब इस देश की जनता को देना पड़ेगा। 23,000 केसेस बैंक घोटाले के पिछले 4 वर्षों में दर्ज हुए हैं, 23,000, और इनका जो ब्रेकअप है कितने कौन से साल में कितने के, वो इस प्रेस रिलीज में है, वो लिस्ट में आपको भी दूंगा। टोटल अमाउंट जो बैंक घोटालों में जो जनता का पैसा गायब हो गया वो है 90,000 करोड़ रुपया। जो कुल मिला के भगौड़ों की संख्या है जो भाजपा सरकार की लूटो भागो और बाहर जाके बस जाओ योजना का लाभ लेके इस देश को छोड़ के भाग गए, वो है 23, जिसमें से पहले नंबर पे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे आदमी हैं। ये जो तीनों का गैंग है, इन्होंने अकेले ही 28,000 करोड़ रुपया लेके इस देश से भाग गए। विजय माल्या 9,000 करोड़ से ज्यादा लेके भाग गया। जतिन मेहता 6,700 करोड़ से ज्यादा लेके भाग गया। SRS ग्रुप 7,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। राजीव गोयल 621 करोड़ लेके भाग गया। नतीजा, आम जनता आज बैंकों के बाहर खड़ी है अपना हिसाब मांगने। पर जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मुझे इंसाफ कौन दिलवाएगा? सरकार भी उनकी है, जांच एजेंसियां भी उनकी हैं। तभी चाहे वो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, इस बात की जांच होनी चाहिए। ये 23 लोग इस देश का 90,000 करोड़ रुपया लेके मोदी सरकार चौकीदार, भागीदार, गुनेगार की निगरानी में कैसे भाग गए? तो क्या ये आम आदमी की सरकार है? भाजपा भगौड़ों की सरकार है। तभी मैंने कहा भाजपा ने गबनबाजों और घोटालेबाजों के लिए एक चोर दरवाजा बना दिया है।
मैं आशा करता हूं अंत में इतना और गुजारिश भी करता हूं कि अब चोर की चोरी पकड़ी गई है, चोर भी रंगे हाथ पकड़ा गया है, जेलर भी कैदी फरार मंत्रालय चला रहा है। अब कांग्रेस पे कीचड़ उछालने से, ध्यान भटकाने से देश आपके जो कारनामे हैं उनसे मुंह नहीं फेरेगा। हिसाब भी देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।